को खा सकते हैं। और मैंने बारीक चॉप किया हुआ प्याज है, इसको अब इसमें डालेंगे बारीक एकदम। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज मैं बना रहा हूँ मटन। मैंने आधा किलो मटन लिया है, ये देखिए, ये मैंने धो के रख दिया है यहाँ पर। इसमें सारे पीसेस हैं, नली है, गोल पीस हैं, चॉप मिले नहीं, और मैंने 2 से 3 छोटे प्याज काटे हैं बारीक, ये तेज पत्ता, ये हरी मिर्च, हरा धनिया, लहसुन बारीक कटा, अदरक बारीक कटा, दालचीनी, लौंग, जायफल, जावित्री, 2 छोटी इलायची और लहसुन के पत्ते। ये मैंने 2 टमाटर काटे हैं बड़े, ये बाद में काटूंगा, ये सीक्रेट है, हरा धनिया बाद में डालेंगे। कुकर में बनाएंगे दोस्तों इसको। अब मैं इसमें डालूंगा तेल, क्योंकि हम इसमें बनाने मटन ग्रेवी। तेल आप अपने हिसाब से डालिएगा, मैं इसको बना रहा हूँ सरसों के तेल में। अब हम होने देंगे तेल गरम। तेल गर्म हो चुका है, इस पर हम डालेंगे खड़े मसाले। पहले गैस कम कर लेंगे, लौंग, छोटी इलायची, जावित्री को बाद में डालेंगे, जायफल और अदरक, कटा हुआ लहसुन के पत्ते, सूखी लाल मिर्च, जावित्री, लहसुन बारीक कटा हुआ और हरी मिर्च। इसको हल्का सा फ्राई होने देंगे, इसके बाद इसमें डालेंगे हम प्याज। फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे प्याज। कटा हुआ हरा धनिया था उसको, और एक दालचीनी के पत्ते, अब हम इसे 10 मिनट तक फ्राई होने देंगे। हेलो दोस्तों, ये भी फ्राई लगभग लगभग हो चुका है, ये देखिए। इतने में आपने गैस बंद कर देनी है, नहीं गैस नहीं बंद करनी, इसमें डालना है हमने टमाटर। इसमें हम डालेंगे टमाटर, हम डालेंगे मसाले। मसाले आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा, फिर भी देख लीजिए आधे किलो में कितना लगता है। ये देखिए धनिया, ये भुना हुआ जीरा, देखिए हल्दी, क्योंकि मेरे को ग्रेवी बनाना है तो नमक थोड़ा सा कम ही रखेंगे, बस इतना सा रखूँगा। और लाल मिर्च कम ही यूज कीजिएगा, थोड़ा सा हल्दी बढ़ा देते हैं। और मेन है इसमें हल्का सा काली मिर्च भी डाल दीजिएगा, इसका टेस्ट बहुत बेहतर आएगा। अब आपने इसमें थोड़ा सा डाल देना है आधा गिलास पानी और
थोड़ा सा आपको इसमें इसको घुमा देना है आपको, और रख देना है ढक्कन और 15 मिनट के लिए कम आंच में इसको पकाना है। 15 मिनट के बाद मिलते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, मटन के पीस छोटे छोटे रखने हैं, इसमें मसाला अच्छी तरह के जाता है। लगभग लगभग हमारा मसाला बन चुका है। थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से मैश करेंगे 2 मिनट। मसाला हमारा पूरी तरह बन चुका है दोस्तों। अब हम इसमें डालेंगे मटन को, पूरी तरह बन चुका है। अब ये देखिए दोस्तों, ये आप ध्यान से देखिएगा, इसमें हमें डालना है सिर्फ एक छोटी सी गिलास है, इससे आधा गिलास पानी, इसको अच्छी प्रकार से मिक्स कर देंगे, फिर लगा देना है ढक्कन और 3 सीटी आने के बाद फिर गैस बंद करनी है। सीटी आ चुकी है दोस्तों, अभी 2 सीटी आनी बाकी हैं। 2 सीटी आ गई दोस्तों। सीटी आ चुकी है दोस्तों, लगभग लगभग 3 सीटी आ चुकी है। अब उसको हम 10 मिनट कम आंच में पकाएंगे, 10 मिनट उसके बाद गैस बंद कर देंगे। देखिए ये पूरी तरह खुद ठंडा हो गया है, इसके बाद ही इसको हम इसका ढक्कन खोलेंगे। ये देखिए दोस्तों, मटन ग्रेवी आप इसको चावल के साथ, रोटी के साथ, इसके साथ आपको अच्छा लगे आप इसको खा सकते हैं। और मैंने बारीक चॉप किया हुआ प्याज है, इसको आप इसमें डालेंगे बारीक एकदम। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा कि कैसा बना। धन्यवाद दोस्तों।